दिस इज विकी राइडर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग हैं रामेश्वरम में और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग, मतलब कल वाला राइड हो गया था एंड अराउंड 5 o'clock पहुँचे थे। आज मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठ गए और धनुषकोड़ी का खुलने का टाइम है 6 o'clock, तो मतलब आज बिल्कुल फाड़ देना है। फोटोज़ लेंगे बहुत सारी और आप लोगों को स्टोरी बताएंगे। एक्चुअली धनुषकोड़ी की स्टोरी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, 5:30 हो चुका है, 6 o'clock वहाँ का धनुषकोड़ी का चेक पोस्ट है, वहाँ से अलाउ कर दिया जाता है। तो आपको स्टोरी बताऊँगा कि वो 5 बजे बंद क्यों हो जाता है। चलेंगे अपन लोग, रोड पर मिलेंगे। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स धनुषकोड़ी। यहाँ से है, शॉर्टकट ही मार लेते हैं, तो इतना कौन सा टर्न करेंगे, इधर साइड से भी रोड ही रहना चाहिए था। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे धनुषकोड़ी, इट्स जस्ट फॉर 20 to 25 kilometers। और यहाँ पे देख लो, पूरा आसमान रेड हो गया है, सनराइज़ होने वाला है। आई डोंट नो सनराइज तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, 5:30 बजे निकलना चाहिए था, राइट है ना यहाँ से? ओके, तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं धनुषकोड़ी, जो कि रामेश्वरम मेन टाउन से है 21 kilometers। तो काफ़ी मज़ेदार प्लेस है। आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ धनुषकोड़ी की। 1947 और 1948 में टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने की वजह से 7 kilometers का ज़मीन जो था पूरा आसपास का, वो 0.5 kilometer पानी के अंदर चला गया था। 1964 में एक साइक्लोन आया था, पूरा श्रीलंका से लेकर इस तरफ आया, तो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा था वो था 500 माइल्स पर आवर का, तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ था। और उसकी वजह से पूरा पम्बन ब्रिज में एक ट्रेन था वो पूरा बह गया था एंड 150 लोग वहाँ पे मरे थे। जो धनुषकोड़ी है उधर पे ये हुआ था कि 1800 लोग वहाँ पे डेड हो गए थे। उसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने डिक्लेयर किया गोस्ट टाउन। जब सुनामी आई 2004 में, तो ऐसा हुआ था कि कुछ कुछ लैंडमार्क्स थे और थोड़ा सा ज़मीन का जो पार्ट है वो दोबारा से विजिबल हो गया, तो धनुषकोड़ी वाला ये पूरा रेंज जो है, जो पूरा स्ट्रेट रोड है, ये पूरा दिखने लग गया। एंड वहाँ पे धनुषकोड़ी के एंड में जाके एक चर्च पड़ता है, तो चर्च वाला पार्ट है वो भी विजिबल हुआ, तो आपको दिखाऊंगा मैं आगे चल के कि वो कैसा दिखता है। ये राजेश भाई जंपिंग जैक बन रखे हो। यहाँ पे जो है पूरा वाइट सैंड शुरू हो जाएगा, हाँ बहुत सॉफ्ट सैंड है, मतलब ऐसा, हाँ ये देखो क्या सही। अरे भाई साहब बहुत कंकड़ लग रहा है यार मेरे को, तो मैं उंगली में ग्लव्स नहीं पहना हूँ, लिटरली ऐसा लग रहा है कट 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 करके बज रहा है पूरे पे। बट अमेजिंग यार, मतलब यहाँ पे मैं राइट साइड दिखाएंगे तो एक्चुअली मैं खड़े नहीं हो पाऊंगा, इतने में दिख भी नहीं पाएगा। यहाँ पे रुक के आपको दिखाता हूँ, मतलब पूरा ब्लू सी है, इतना जबरदस्त सा व्यू आ रहा है ना। मजेदार है पूरा, मतलब समंदर का जो पूरा पानी है इतना नीला,
मतलब नीला क्या सी ग्रीन कलर जो बोलते हैं वो सी ग्रीन कलर है ये। बहुत सही है, अमेजिंग व्यू। यहाँ पे चढ़ दे जाते हैं हैं। ओ हाँ, कोई चक्कर नहीं। देखो ये है पूरा धनुषकोडी रोड और ये पूरा समंदर इधर पे। अमेजिंग व्यू मैन, अमेजिंग व्यू। वीडियो ले लेते हैं। मैं को आवाज ही नहीं आ रही। बस कदम संभाल के रख रहे हैं, अपने आप से चलते चले जा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, अभी तो बहुत दूर है। ओके बहुत बहुत अमेजिंग वाला फील है यार। मतलब यहाँ पे आओ राइड करने के लिए तो मज़ा आएगा। मतलब अगर मैं अगर बाइक को ऐसे ही सीधा छोड़ दूँ तो बाइक अपने आप से इधर इधर हो ही जा रही है। मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि हैंडल टेढ़ा हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि बाइक ऐसी हो जा रही है। वाइजर लगा ले तो, वरना बाप रे वाइजर पे इतना धूल भाई। नहीं, धनुषकोडी इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हियर, अरिचल मुनाई। ये देखो अब आएगा पूरा, अभी मजा आएगा ना बीड़ू। बहुत विंड ब्लास्ट है अभी। मॉर्निंग पे कोई चेक पोस्ट पे है भी नहीं एक्चुअल में। सो दिस इज अ चेक पोस्ट। यहाँ पे चलते हैं। पूरा पानी है वैसे आगे, पूरा पानी वहाँ पे लग रहा है। अच्छा, उसके आगे जा भी नहीं पाएंगे। सो यहाँ का सैंड देख लो भाई, तो कैसा है ये देखो। ये ऐसा लग रहा है ना, सैंड इसका ऐसा लग रहा है जैसे सूजी का हलवा नहीं बनाते जब घी ज़्यादा डाल देते हैं। हाँ, यहाँ से चेक पोस्ट है बिल्कुल एंड वाला रोड। भाई साहब, मेरा जो गोप्रो गिरा है गंदा वाला, मतलब पूरा गोप्रो इधर उधर हिल गया मेरा माउंट से। आज बहुत ज़्यादा हवा लग रही है एंड देख सकते हो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में पूरा इसके गोप्रो के आगे मॉइस्चर हो जा रहा है। और इवन मेरे को वाइजर के आगे, वाइजर से भी नहीं दिख रहा है, बट लगा लेते हैं क्योंकि आंख में धूल चला जाएगा। बहुत ज़्यादा बारीक पार्टिकल है। अभी मुंह खोल के बात कर रहा हूँ मैं तो मेरे मुंह में चली गई मिट्टी। देखो अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा मिट्टी लग रही है भाई साहब। और ये देखो मेरे को लग रहा है जाके बिल्कुल फिर से नहाना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ फोटोज ले पाएंगे, आई डोंट थिंक सो ड्रोन शॉट ले पाएंगे यहाँ पे। बहुत ज़्यादा रिस्की है यार, मतलब मैं ड्रोन इधर उड़ाऊँगा वहाँ पे मेरे को दरिया में मिलेगा सीधे। हाँ ये देखो पूरा राइट साइड से निकल के बालू। बहुत सही है, मतलब आज एक्चुअली विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब विंड ब्लास्ट क्या, मतलब जो यहाँ से इधर की ओर ट्रैवल कर रही है विंड। मेरे को लग रहा है कुछ पहनना पड़ेगा। अरे यार ये देखो क्या हो गया। वाइजर तो मैं नहीं साफ कर रहा, बट गोप्रो साफ करना ज़रूरी है भाई, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। तो यहाँ से अभी राइट साइड में चर्च दिखेगा। ये देखो ये वाला जो ज़मीन है पूरा डूब गया था। और ये देखो यहाँ से धनुषकोडी 0.1 किलोमीटर, दिस इज धनुषकोडी। आगे हम लोग इधर साइड में पूरा। सो दिस एरिया वॉज डिक्लेयर्ड एज नॉट गुड फॉर लिविंग इन 1964 बाई गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। मतलब पूरा एक्चुअली में यहाँ पे नहीं रह सकता यार कोई। मतलब अभी भी जो छोटा मोटा हट्स बना हुआ है, लोग थोड़े बहुत रह रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस यहाँ से चल रहा है, बट इट्स नॉट एट ऑल गुड। मतलब यहाँ पे अगर आप सोच रहे, मतलब थोड़ा सा भी पानी का लेवल ऊपर गया तो फिर पूरा जाएगा। सनराइज यहाँ पे हो चुका है, अभी जाके दिखा है। मतलब मैं यहाँ से जाते टाइम में बयान नहीं कर पाऊँगा कैसा लग रहा है, बट यू कैन इमेजिन मैन, मतलब जो रास्ते का फील है वो ऐसे ही बाइक राइड्स पे आता है। कार के अंदर बैठ के तो एसी में ही चले जाओगे, बाहर का वेदर कहाँ फील करोगे, यहीं पे करोगे।
यहाँ पे पूरे रोड पे पानी आ रखा है, जो बौछार सी आती है, जो पानी की बौछार आती है पूरे दिन आती रहती है, तो पूरा रोड गीला है बहुत ज्यादा भाई। यहाँ पे नहीं ड्रोन उड़ पाएगा, आई डाउट। क्या अमेजिंग वाला फील है। और इसके बाद में सीधे यहाँ से था राम सेतु, और पूरा इसके बाद में श्रीलंका पड़ जाता है। बहुत बहुत ही अच्छा। वाइजर दिखा देते हैं आपका, बहुत ज्यादा है पूरा। ये मॉइस्चर की वजह से हुआ है कि किसकी वजह से हुआ है ये नहीं समझ आ रहा है। ये देखो पूरा सॉल्टी वाटर है यार। सो ये धनुषकोडी पे यहाँ पे अशोक पिलर बना हुआ है, और दिस इज द लास्ट पॉइंट। स्ट्रेट रोड 20-21 किलोमीटर की। मजा आ गया। ये मेरे को लग रहा है कि मेरे पैंट पे के बीच में पूरा जम गया था यार, बहुत ज्यादा पानी है। यहाँ से राम सेतु आई थिंक वो वाला लाइन में दिखता होगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा लैंड है ना, ऐसा है क्या? अच्छा वो भी गायब हो गया आज। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच धनुषकोडी, और यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या अमेजिंग नज़ारे हैं भाई। तो पूरा पानी उछल उछल के आ रहा है, जबरदस्त है। शांति से बात किया जाएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा वाइजर वाइजर क्लीन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से देखो तो फाइनली गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से चलेंगे होटल। अगर आप लोगों को आज के ब्लॉग में मजा आया देन डू लेट मी नो इन डाउन इन द कमेंट्स, और अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहते हो राइड पे डेफिनेटली एक बार आओ, मज़ा आ जाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा तो यहाँ से आप लोगों को चर्च भी दिखा देते हैं, जो एक्चुअली पूरा पानी में डूब गया था। और तो ये वाला जो चर्च है 1964 में पानी के अंदर चला गया था आफ्टर द साइक्लोन, और उसके बाद में कितने साल तक पानी में रहा है, और पता नहीं कब ऊपर आया है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। बट लुक एट दिस मैन। यहाँ पे बाइक नहीं लेके आ सकते क्योंकि थोड़ा सा वो बैरिकेड टाइप सा है, बट सी दिस पूरा पूरा ये क्या हो रखा है? पानी के अंदर कोई फैट फट्टा बच गया या क्या? ओह पानी के अंदर फिर टैंक में नहीं रखते? हाँ ये पानी के अंदर ऐसा हो जाता है ना पत्थर, आपको ऐसा कोई पत्थर मिलेगा तो ले जाते फिर टैंक में डाल देते हैं। तो कोई पत्थर मिलेगा फिश टैंक का। और यहाँ पे लोग कितने तेजस्वी हैं हमारे पास, कि यहाँ पे भी लव वाला साइन लिख के अपना नाम लिख दिया। हाँ चढ़ के उधर पे नाम लिख दिया। या गाइज ये बात किया करो, कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा पुरानी है उसको मेंटेन करने का ट्राई करो, इंस्टेड ऑफ उसको ख़राब करने के लिए ऐसा मत किया करो। ये देखो यहाँ पे कैसा हो गया है पूरा, ये देखो पूरा टेक्सचर इसका चेंज हो गया पानी में रहने के बाद में। और कुछ मिलेगा पत्थर फिश टैंक के लिए तो ले लेंगे। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया आई नो, बट ये वाला पार्ट मिस नहीं करना चाहिए। सो अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया है तो डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर और भी कोई क्वेरीज हैं आपको, अगर आपका अगर प्लान बन रहा है यहाँ तमिलनाडु राइड में धनुषकोडी साइड आने का, देन डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और यहाँ से बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हम लोग लेके जा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो गया है तो पूरा नहाना पड़ेगा अभी तो जाके। तो आज का राइड बहुत मज़ेदार रहा और अलग लेवल का एक्सपीरियंस था, अभी भी एक्सपीरियंस ही ले रहे हैं। ओए बहुत ज़्यादा